महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सीबीआई के द्वारा पूछताछ की मांग करने वाली जनहित याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की है। वकील राहुल अरूठी के माध्यम से 13 अक्टूबर को दायर अपनी याचिका में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि मामले की जांच पहले से ही महाराष्ट्र सरकार की मशीनरी द्वारा ऑलरेडी की जा रही है। इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राशिद खान पठान के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत के मामलों में आदित्य ठाकरे की तत्काल गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा इस जनहित याचिका को ना तो खारिज किया गया और ना ही सुनवाई के लिए शामिल किया गया। आरोटे ने कहा कि हमने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमें सुना जाना चाहिए। हमने कहा है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामलों में पहले से ही जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। जनहित याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ठाकरे की जांच करने और एक व्यापक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वही आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जुलाई में अभिनेता के पिता ने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था। मामला बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। वही इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे थे। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन दावों की जांच कर रहा है कि रिया ड्रग का सेवन करती थी और सुशांत सिंह राजपूत को भी वही ड्रग्स देती थी।